नमस्कार ओम शांति। फास्ट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। फरीदाबाद के संजय एंक्लेव सेवा केंद्र के द्वारा 10 दिवसीय नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत लगभग 46 स्थानों पर कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अभियान के दौरान 17,000 से अधिक लोगों ने लाभ लिया और नशा छोड़ने का संकल्प कराया, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल, श्री साई इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बाल सुधार गृह, जेल, पुलिस स्टेशन समेत कई स्थान शामिल रहे। इस मौके पर नाटक के द्वारा अनेक लोगों ने प्रेरणा ली तथा अपने जीवन को परिवर्तन करने का संकल्प लिया। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति, बीके शोभा, बीके वंदना समेत अनेक सदस्यों ने लोगों को राजयोग से होने वाले लाभ बताए। त्रिदिवसीय बाल शिविर में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से मंडला सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी ने बच्चों में बौद्धिक तथा शारीरिक विकास किया। वहीं नेहरू उद्यान में बीके ममता समेत कई विशिष्ट लोगों ने पौधे लगाए। वसई सेवा केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रदर्शनी के माध्यम से बीके सदस्यों ने जल बचाव के उपाय बताए। सटाना में कृषि अधिकारी समाधान पवार की उपस्थिति में राज्योग शिक्षिका बीके अंजुलता ने कल्पतरु और यौगिक गृह वाटिका के संदर्भ में अपने विचार रखे। वहीं समस्तीपुर सेवा केंद्र में राज्योग शिक्षिका बीके सविता, डीआरएम आलोक अग्रवाल ने प्रदूषण के कारण और निवारण बताते हुए बालासोर ट्रेन दुर्घटना में मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं पन्ना सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीता ने माधव पैरा मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को सकारात्मक मन से स्वच्छ पर्यावरण बनाने और जल संकट पर भी विचार रखते हुए प्रकृति सुरक्षा का संकल्प कराया। 7 दिवसीय बाल शिविर में पंचवटी सेवा केंद्र पर राज्योग शिक्षिका बीके ममता तथा आए हुए मुख्य अतिथियों ने अपने अनुभवों के माध्यम से बच्चों को प्रोत्साहित किया। कई गतिविधियां भी कराई गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में सीआरपीएफ बिलासपुर में एक महीने तक योग का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी के द्वारा योग व प्राणायाम सिखाया जाएगा। इस मौके पर बीके छाया ने राजयोग की विधि और फायदे बताए। दिल्ली के रोहतास नगर में बच्चों के लिए 3 दिवसीय पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक जितेंद्र महाजन, बीके सविता ने स्वयं को अनुशासित रखने पर बल दिया। ब्रह्म कुमारीज एवं सामाजिक वानिकी वन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में पर्यावरण एवं वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य वन संरक्षक अमित दुबे, जेल अधीक्षक देवेंद्र कुमार, बीके निर्मला ने ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का आह्वान किया। ऐसे ही रविवार पेट सेवा केंद्र पर रजत जयंती पर कई विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में वृक्षारोपण किया गया। जन शिक्षण संस्थान और ब्रह्मा कुमारीज द्वारा मगर लोटा में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में बीके प्रभा ने कहा कि प्रकृति की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। वहीं इंदौर के प्रेमनगर में ब्रह्मा कुमारी संस्थान की प्रथम पूर्व मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती की स्मृति में 21 दिवसीय योग कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके शशि ने आत्मिक दृष्टि के अभ्यास को बढ़ावा दिया। इसके साथ ही सेवा केंद्र पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसमें डॉक्टर चंदन फाफरिया ने कहा कि जीवन भर फ्री में ऑक्सीजन देने वाली प्रकृति का हमें आभार मानना चाहिए। मुरैना के रामनगर पाठशाला द्वारा जलजन अभियान की एक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें कई विशिष्ट लोग शामिल हुए। आगे यशदीप नगर बीट सेवा केंद्र के द्वारा बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन कर बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्थिति को मजबूत बनाने का प्रयास किया गया। नांदेड़ के सुखमणी उप सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनीता ने मारुति मंदिर में बीके सदस्यों के साथ वृक्षारोपण कर प्रकृति के प्रति जन जागृति लाई।
नैनपुर सेवा केंद्र द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में पौधारोपण किया गया, जिसमें बीके शिव कुमारी ने सभी से पौधे लगाने का संकल्प कराया। नवसारी के मरौली सेवा केंद्र द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत मिट्ठूबेन पिटिट व्यसन मुक्ति केंद्र तथा मेंटल हॉस्पिटल में विशेष कार्यक्रम संपन्न हुआ। महाराजपुरा सेवा केंद्र द्वारा वातावरण को स्वच्छ और पर्यावरण को हरा भरा बनाए रखने के लिए बीके ज्योति बीके अर्चना समेत अनेक लोगों ने पौधे लगाए। मगरलोड कृष्ण कुंज में भी पौधारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें रेंजर सुनील कुमार बीके अखिलेश समेत कई बीके सदस्य शामिल रहे। वहीं करेली सेवा केंद्र द्वारा भी प्रकृति के प्रति जागृति लाने का प्रयास किया गया। अंत में प्रकृति का संरक्षण करने का भी संकल्प कराया गया। मौके पर नरसिंहपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम भी उपस्थित रहीं। गुवाहाटी सेवा केंद्र द्वारा कल्पतरु अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बीके वंदना, बीके दीपांजलि, माउंट अबू से आए बीके धनंजय मुख्य रूप से मौजूद रहे। पठानकोट के सिविल हॉस्पिटल में बीके सदस्यों ने नौनिहालों को पोलियो की बूंद पिलाने की सेवा की, साथ ही उनके अभिभावकों को सेवा केंद्र प्रभारी बीके सत्या ने ईश्वरीय ज्ञान भी दिया। तो वहीं तपोवन विष्णु नगर लमिनी में प्रकृति की रक्षा हेतु वृक्षारोपण किया गया, जिसमें बीके सत्या ने कहा कि जल जमीन जंगलों और जानवरों की सुरक्षा से ही पर्यावरण संरक्षण संभव है। ऐसे ही पटना के पंचवटी कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके रानी ने जल और पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला और 80 प्रकार के पौधे भी लगाए। मोरेना के अग्रसेन पार्क में स्थानीय लोगों को प्रकृति के लिए संबोधित करते हुए राजयोग शिक्षिका बीके रेखा ने कहा कि यदि हम प्रकृति की सुरक्षा चाहते हैं तो पॉलिथीन का प्रयोग खत्म करना होगा। फास्ट न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।